नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला। इस मसाले से कई तरह की सब्जियाँ बन सकती है, बन जाएगी, और इसको 2-3 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैंने लिया है, ये है काजू, 20-25 काजू हैं, और ये मेलोन के सीड्स हैं। ये देखिए, इसको मैं डाल दूँगी गैस ऑन करके, इसमें थोड़ा बॉयल करूँगी 2-3 मिनट। इसको धो के रख लिया है मैंने, अब इसको डाल दूंगी और पानी डाल दूंगी इसमें, इसको बॉयल करूंगी। और लिया है मैंने, देखिए 50 से 60 ग्राम है ये अदरक को काट लिया है छोटा छोटा सा, और ये भी 50 से 60 ग्राम है आपका लहसुन की कलियां। और मैंने लिया है 1 किलो ये है प्याज, इसको मैंने छील लिया है। अब इसको लंबा लंबा काट लेंगे, मोटे मोटे इसे देखिए इस तरह से ऐसे काट लेंगे लंबा लंबा इस तरह। ये देखिए हो गया है ये। अब मैं इसको हटा देती हूँ चूल्हे पर से, और ये दूसरी कढ़ाई रखा है मैंने, इसमें प्याज को भूनूंगी और इसको ठंडा कर लूँगी, पहले ठंडा करके पीसूँगी इसको, इसलिए इसको साइड कर देती हूँ। और मैंने लिया है ये 800 ग्राम टमाटर है, इन सब की को भून कर ग्रेवी बनाएंगे। ये देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं जीरा है, 1 चम्मच जीरा है ये डाल देते हैं। मैं खड़े मसाले पहले इसलिए डाल रही हूँ, इसको बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे वगैरह हैं या हम लोगों को पसंद नहीं आता है खड़े मसाले मुँह में आता है, तो इसलिए मैं पहले डाल रही हूँ, और बाद में भी डाल सकते हैं, पीसने के बाद भी डाल सकते हैं इसको, जिनको खड़े मसाले ज़्यादा पसंद है वो डाल सकते हैं बाद में। ये देखिए मैं जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच, और ये तेज पत्ता है, 2-3 तेज पत्ता लिया है मैंने, 8-10 लिया है मैंने हरी इलायची, और 10 लिया है लौंग, और ये सिनेमन का टुकड़ा लिया है इतना सा लिया है, ये देखिए ये डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज, देखिए प्याज डाल देती हूँ। तेल मैंने लिया है सर्विंग स्पून से, बड़ा सर्विंग स्पून से 2 लिया है, क्योंकि ये देखिए मैं सबको भून रही हूँ, और ये धीरे धीरे इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउनिश करना है। ये देखिए हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, तो मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा करके इसको पीसूंगी। ये देखिए मैंने खरबूजे का बीज और ये काजू ले लिया है, अब इसमें मैं डाल दूंगी बर्फ के टुकड़े, देखिए बर्फ़ के टुकड़े मैं डाल दूंगी, इससे ना कलर बहुत अच्छा आएगा और बहुत फाइन पीस के तैयार होगा। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए मेरा मेलोन का जो बीज था और काजू, ये पीस कर तैयार हो गया है। अब मैं ये प्याज पीस ले रही हूँ, और इसमें भी 1 टुकड़ा बर्फ़ का डालूँगी, इसे बहुत अच्छा पीसेगा और एकदम फाइन हो जाएगा। ये देखिए मैंने फिर से गैस ऑन कर लिया है, और ये तेल मैंने प्याज जो भूना था उनमें से बचा लिया था, साइड करके निकाला था प्याज को, तो ये बचा लिया था। अब और 1 चम्मच तेल डालेंगे, क्योंकि तेल थोड़ा डालना पड़ेगा प्रिजर्व करने के लिए, तेल अच्छा रहता है, तो मैं 1 बड़ा चम्मच तेल और डाल देती हूँ। ये देखिए बस, अब कढ़ाई गर्म होने देती हूँ, फिर ये ग्रेवी बनाने के लिए ये डालूँगी। ये देखिए लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट जो बनाया था उसको पहले डालेंगे इसमें, तेल गर्म हो गया है, अच्छा गर्म हो गया है, इसमें डालूंगी, ये सारा डाल देते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा भी और पकेगा ये लहसुन अदरक का पेस्ट, तेल अलग होने लग गया है, और जैसे मैंने डाला गर्म मसाला मैंने प्याज भूनने में डाल दिया था, आपको खड़ा मसाला चाहिए होगा तो पीस कर नहीं चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने तेल डाला था ना उसी समय सारा जो गर्म मसाले मैंने डाले थे प्याज भूनने में वो उस समय भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर कोई पसंद नहीं करता उस तरह से खाना, इसलिए
मैं पहले ग्रेवी में ही मिल गया सारा, प्याज में ही, उसके साथ मैंने पीस दिया, उसी के साथ भून लिया था। ये देखिए अच्छे से कुक हो गया है ये लहसुन अदरक। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये प्याज का पेस्ट, ये सारा डाल देती हूँ इसमें और फिर इसको कुक करूँगी। जो प्याज में पहले भूनने में थोड़ा बहुत कसर रहा होगा, अब ये कुक हो जाएगा अच्छे से। तो अब इसके साथ ही कुक कर रही हूँ मैं। ये देखिए टमाटर का पेस्ट मैं डाल रही हूँ अब। अब इसके साथ भून लेंगे और इसी में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नॉर्मल मिर्च का पाउडर है, ये दोनों ही इसी समय डाल दूंगी। इसको कुक करेंगे, टमाटर को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा ये कुक होकर के कितना हो गया। अब इसमें धीरे धीरे ऑयल छूटेगा। मैं इसमें अब इसी समय डाल देती हूँ 1.5 चम्मच नमक है, ये सेंधा नमक मैं यूज करती हूँ वैसे भी घर पे। और ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है और 1 चम्मच है भुना जीरा पाउडर, ये भी डाल देती हूँ मैं। अब इसको अच्छे से कुक करती हूँ। और ये है 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी भी डाल दूंगी, ये टेस्ट को बैलेंस करेगा। जैसे टमाटर का खट्टा ये सब है तो इन सबको बैलेंस करके बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है ये, तो इसलिए मैंने 2 चम्मच चीनी डाला है। आपको लग रहा होगा कि मीठा हो जाएगा पर ये मीठा नहीं होगा, ये बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा उससे। और इसी समय मैं डाल देती हूँ ये देखिए जो काजू का पेस्ट था, ये डाल देती हूँ मैं। ये देखिए मिक्स होकर के कलर इसका चेंज होने लग गया, ये देखिए लाइट हो जाएगा थोड़ा ये। ये देखिए हमारा मसाला अब तैयार हो गया है, देखिए इसमें से ऑयल बाहर आने लग गया है, अच्छी तरह कुक हो गया है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ ये इसका। इस मसाले को आप 2 से 3 महीना आराम से फ्रीजर में रख सकते हैं। आप आइस क्यूब जिसमें जमाते हैं उसके अंदर भी इसको जमा करके और जिप लॉक में रख सकते हैं, या कोई छोटा सा डब्बा में भी रख सकते हैं। इसी तरह से आप ज़्यादा भी बना करके रख सकते हैं। अब मैं इसी से एक सब्जी भी बना करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, ये धनिया पाउडर और ये कश्मीरी लाल मिर्च और ये हल्दी और ये काली मिर्च है और ये सिंपल लाल मिर्च का पाउडर है, इसको डाल दूंगी और ये चला दूंगी। ये मसाला जले नहीं इसलिए थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें। ये देखिए ये मसाला मैं इसमें मिक्स कर दूंगी जो मैंने बनाया था। और ये मटर डाल दूंगी, ये मटर मेरा स्टीम किया हुआ है। ये देखिए इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और ये पनीर मैंने भून करके रखा है फ्राई करके, इसको भी डाल दूंगी। देखिए मेरी सब्जी हो गई है तैयार। मैं गैस कर देती हूँ बंद और मैं इसको प्लेटिंग करती हूँ इसका। इस पर मैं थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके डाल दूंगी। ये देखिए हो गया तैयार। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जिस तरह से मैंने मसाला बनाया है उससे कई सारी सब्जियां बना सकते हैं, बहुत तरह की सब्जियां बना सकते हैं। तो इस तरह से बनाकर स्टोर कर लें। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।